आपके साथ मेघा एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर स्पेशल प्रोग्राम। जैसा कि आप सब जानते हैं, टेलीविजन इंडस्ट्री के सितारों के साथ बी टाउन सेलिब्रिटीज के लिंकअप का किस्सा अब पुराना हो चुका है। एक वक्त था जब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का स्टैंडर्ड टीवी सेलिब्रिटीज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा था, लेकिन अब काफी हद तक चीजें बैलेंस हो चुकी हैं। अब टीवी की हसीनाएं बॉलीवुड की ब्यूटीज को कड़ी टक्कर देती हैं हर मामले में, और ये जो डिफरेंस कम हुआ है इसका एक बड़ा क्रेडिट हिना खान को जाता है। एज यू ऑल नो, टीवी पुर की अक्षरा ने साबित कर दिया है वो किसी से कम नहीं है। टेलीटाउन की हिना खान ने अपने स्टाइल स्टेटमेंट से बीटाउन की हसीनाओं को मात दी है, और यही वजह है कि आज जब टीवी की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस का जिक्र हो तो ख्याल हिना खान का ही आएगा। हिना खान के एटीट्यूड, हिना खान के टैलेंट और हिना खान की कैपेबिलिटीज के कायल तो बॉलीवुड के दबंग सलमान खान भी हुए हैं। ये बात तो आप सब जानते हैं। सलमान और हिना टीवी फ्रेम पर एक साथ नजर आए रियलिटी शो बिग बॉस के दौरान, जिसके होस्ट थे सलमान खान और कंटेस्टेंट बनकर बिग बॉस के घर में थी हिना खान। यहां सलमान ने कई बार हिना खान को डांटा, सलमान ने कई बार हिना के टैलेंट की तारीफ की, तो कई बार सलमान ने हिना को ब्यूटीफुल भी कहा। आज जब बिग बॉस सीजन 13 अपने आगाज को लेकर चर्चा में है तो हर जगह सलमान और हिना के प्यारे प्यारे मोमेंट्स वायरल हो रहे हैं। बिग बॉस के घर की वो तमाम वीडियोस वायरल हो रही हैं जहां सलमान खान हिना खान की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें कही जा रही हैं। सलमान खान, जिनका लिंकअप अब तक बॉलीवुड की बारबी डॉल कटरीना कैफ के साथ होता है, अब बिग बॉस के उस सीजन के वीडियोज वायरल हो जाने के बाद सल्लू मियां का लिंकअप हिना खान के साथ होने लगा है। इसके पीछे की एक और वजह भी है, क्योंकि बिग बॉस सीजन 13 में गेस्ट अपीयरेंस देने हिना खान आ सकती हैं सलमान खान के कहने पर। क्या कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पर रिलेटेड टू सलमान एंड हिना, देखिए जरा। टीवी इंडस्ट्री की अक्षरा से लेकर यहाँ पर फिल्मी दुनिया तक हिना खान ने एक सक्सेसफुल जर्नी तय कर ली है। ये बात तो आप सब जानते हैं। बड़े पर्दे पर हिना खान का डेब्यू भी हो चुका है, जिसे लेकर बीते दिनों हिना ने पोस्ट भी शेयर की थी। ये बात तो आप सब जानते हैं कि हिना खान ने टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा के किरदार से एक नाम हासिल किया है, एक पहचान बनाई है। लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है, रियलिटी शो बिग बॉस हिना के करियर में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है। रियलिटी शो बिग बॉस हिना खान के करियर में एक बड़ा चेंज लेकर आया। बिग बॉस में हिना खान ने अपनी पर्सनालिटी को जिस तरह से दिखाया, उसने हिना का एक ऐसा रूप जनता के सामने पेश किया जिसके बाद हिना की पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ी। आज इस खास रिपोर्ट में हम आपसे हिना खान और सलमान खान पर बात करने वाले हैं। यकीनन जब हिना बिग बॉस के घर में थी, सलमान खान से कई बार उन्होंने डांट खाई है। अपने नेचर को लेकर सलमान खान से कई बार हिना खान ने खरी खरी बातें सुनी हैं। बावजूद इसके जानते हैं आप सलमान खान के काफी ज्यादा करीब हिना खान है। जी हाँ, ठीक सुन रहे हैं आप। दरअसल जब हिना टीवी पुर की अक्षरा थी, वो तब भी काफी ज्यादा सलमान खान की फैन थी। मतलब हिना खान हमेशा से ही सलमान खान की बहुत बड़ी फैन रही हैं, और इसी फैन और स्टार वाले रिलेशन के बीच में जब बिग बॉस के मंच पर हिना पहुंची, सलमान ने भी हिना के टैलेंट की तारीफ की। अब सलमान खान ने हिना के टैलेंट को अप्रिशिएट तो किया, बिग बॉस के घर में हिना को सलमान से डांट भी पड़ी। अब ये खबर आ रही है कि हिना खान और सलमान खान एक बार फिर से एक ही मंच पर नजर आने वाले हैं। यानी हिना खान को इतना ज्यादा प्यार सलमान खान करते हैं कि बिग बॉस सीजन 13 में भी हिना को गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर लाने जा रहे हैं। यानी वो तमाम लोग जिन्हें लगता था सलमान खान सिर्फ और सिर्फ कटरीना कैफ को आगे लेकर जाते हैं, उन्हें जरूरत है
हिना खान और सलमान खान को लेकर जो खबरें आ रही हैं, इन पर भी नजर डालने की, क्योंकि यहाँ साफ तौर पर हिना खान को एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी सलमान खान की ओर से दी जा रही है, ऐसी खबर आ रही है। बता दें आपको, बिग बॉस के विवादित प्रतिभागियों में से एक रहे बाबा स्वामी ओम ने भी ये बात कही थी कि सलमान खान जो हैं, वो हिना खान से प्यार करते हैं। जी हाँ, ठीक सुन रहा आपने, ये जो बाबा हैं स्वामी ओम, जिनकी फोटोज को भी आप इस वक्त देख रहे होंगे, ये विवादित बाबा साफ तौर पर हिना और सलमान के रिश्ते पर सवाल भी उठा चुके हैं। विवादित बाबा ने कहा था कि सलमान खान हिना खान से करते हैं ढेर सारा प्यार। वाला आपको बता दें, सलमान और हिना दोनों को एक साथ बड़े पर्दे पर इनके फैंस देखना चाहते हैं, क्योंकि अगर सलमान खान बॉलीवुड की दुनिया के दबंग हैं, तो हिना खान भी टीवी इंडस्ट्री में वो मुकाम हासिल कर चुकी हैं जो इन्हें बी टाउन सेलिब्रिटीज के बराबर ही बनाता है। वेल, अब देखना होगा। कटरीना को छोड़कर हिना और सलमान के प्यार के चर्चे जो एक बार फिर से होने लगे हैं, आखिर कब तक और किस तरह से ये दोनों एक बार फिर एक मंच पर साथ दिखाई पड़ते हैं। देखा आपने किस तरह से सलमान खान और हिना खान बिग बॉस सीजन 13 के मंच पर भी नजर आ सकते हैं, और सलमान खान ने ही हिना को अप्रोच करने की भी बात कही है। तमाम तरह की बातें अगर कही जाएंगी तो लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही। अब सलमान हमेशा से ऐसी चीजें बार्बी डॉल के लिए करते आए हैं, अब अगर हिना के लिए करेंगे तो कहने वाले लोग कुछ तो कहेंगे, कह ही रहे हैं। वेल, सलमान और हिना के प्यारे से बॉन्ड पर एक और बड़ा एग्जाम्पल आपको देते हैं। ये बात तो आप सब जानते हैं, बॉलीवुड की बार्बी डॉल कटरीना कैफ के लुक पर एक बार काफी ज्यादा सवाल उठाए गए थे। कटरीना की कुछ पर्सनल फोटोज उनके हॉलीडे के दौरान की वायरल हो गई थी, और जब यही सवाल सलमान खान से किया गया तो सलमान खान ने मीडिया को लताड़ा था। सलमान खान ने उन लोगों को क्रिटिसाइज किया था जो कटरीना कैफ की प्राइवेसी में दखलअंदाजी कर रही हैं। अब आपको बताते हैं कि किस तरह से जब हिना खान पर ऐसी बात आई तो सलमान ने हिना को भी डिफेंड किया और ट्रॉल करने वाले लोगों से कहा, क्या गैर जिम्मेदाराना हरकत है। याद होगा आपको, कांस 2019 में रेड कार्पेट पर हिना खान ने अपने जलवे बिखेरे, टीवी इंडस्ट्री के झंडे को यहां कांस के रेड कार्पेट पर पहुंचाया, हिना खान की तारीफें हुई, हिना खान का नाम हुआ और नाम के साथ थोड़ा मजाक भी उड़ा, ट्रॉल किया गया हिना खान को, और हिना के ट्रॉल हो जाने को लेकर जब सलमान से सवाल किया गया तो सलमान खान ने हिना की तारीफ की। कैसे, देखिए जरा। वेल, अब तक आपने सलमान खान को कटरीना के लिए प्रोटेक्टिव होते देखा होगा, लेकिन चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह से सलमान खान तो हिना खान को लेकर भी काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव हैं। As you all know, कांस के रेड कार्पेट पर इस बार हिना खान ने कह ढाया है। कांस के रेड कार्पेट पर इस बार हिना खान ने भी वॉक किया, लेकिन हिना को किया गया काफी ज्यादा ट्रॉल। हिना खान के फैंस खुश हुए, लेकिन हिना के लुक पर एक मैगजीन एडिटर ने कमेंट भी किया, हिना को ट्रॉल किया, और इन सब के बीच में जानते हैं आप, सलमान खान ने हिना को सपोर्ट भी किया। दरअसल मैगजीन के एडिटर ने हिना के लुक्स पर कहा था, अचानक से कांस चांदीवली स्टूडियो बन गया है क्या? इस पर हिना खान और कई टीवी सेलिब्रिटीज ने आपत्ति जताई। अब जब सलमान खान से सवाल किया गया तो सलमान खान भी गुस्सा हो गए। सलमान खान भी हिना पर किए गए इस कमेंट से नाराज हो गए, और जानते हैं दबंग खान ने क्या कहा? दबंग खान ने कहा, वैसे तो मैं अब तक इससे अनजान था, और वो काफी ज्यादा हैरान हुए। सलमान ने कहा कि एक एडिटर के लिए एक जिम्मेदारी भरा ये कमेंट है, ये बहुत ही सोच समझ कर किया गया कमेंट है, मुझे अब तक समझ नहीं आया कि वो आखिर कहना क्या चाहते हैं। सलमान खान ने हिना खान को जिस तरह से सपोर्ट किया, सबने सलमान की तारीफ की, वरना सलमान चाहते तो इस तरह की बातों से अपना पल्ला भी झाड़ सकते थे, लेकिन दबंग खान ने ऐसा कुछ नहीं किया। यानी सलमान खान को भी कहीं ना कहीं बिग बॉस सीजन के बाद हिना खान पसंद तो है। अब अगर ये पसंद एक साथ बड़े पर्दे पर नजर आ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। वेल, तो देखा आपने, बिग बॉस
के अंदर जो कुछ भी होता है वो सिर्फ बिग बॉस के घर तक सीमित नहीं रहता। बिग बॉस सीजन में जब हिना कंटेस्टेंट थी, सलमान होस्ट थे, नोकझोंक भले ही कितनी भी हुई हो लेकिन शो के बाहर आकर वो आज भी एक अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं, इसलिए हमने उनकी कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाई जहां दोनों हैंगआउट करते हुए नजर आए। सलमान खान हिना की बहुत बड़ी फैन है तब से ही जब उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में कदम भी नहीं रखा था। अब लगता है हिना भी सलमान की फेवरेट बन चुकी हैं। तो दोस्तों हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही। हिना और सलमान के फैन और स्टार वाले बॉन्ड के बारे में हमने आपको बताया और इसी के साथ अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। वी विल मीट यू गाइस सून, बट टिल देन स्टे ट्यून्ड टू अस एंड स्टे अपडेटेड।